हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का रेसिपी सब्जा सेक है, जो कि गर्मी के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है, हेल्दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रिक बताएंगे आपको कि बादाम जो है रात भर भिगोने के बाद इसको छिलका छुड़ाया जाता है, लेकिन हम आपको 5 मिनट के अंदर छिलका छुड़ा के देंगे। बस थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए, 2 मिनट उबाल लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए और इसको आप ठंडा होने दीजिए। तब तक हम सब्जा को भिगाएंगे। तो सब्जा ये तुलसी का दाना है फ्रेंड्स, आप सब्जी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच, 2 और आधा चम्मच यानी कि 2.5 चम्मच हमने सब्जा लिया है। ये पेट के लिए बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही हेल्दी है। तो आप कोशिश करें कि गर्मी में ये ला के ज़रूर रखें, और ये राशन के दुकान पे मिल जाता है आसानी से, और ज़रूर गर्मी में इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। और ये पानी में देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये फूल जाता है, पूरा जेली जैसा हो जाता है। आप कभी फलूदा खाए होंगे या फिर खाते होंगे तो ये ज़रूर देखे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम भिगा के छोड़ दिए हैं और हम कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल देंगे। कढ़ाई अच्छे से धो लिया, ठंडा कर लिए हैं और उसमें डाल देंगे हम दूध। तो दूध हम लिए हैं अमूल का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर घर का है वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो चलिए, हम यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बनाएंगे 4 से 4-5 गिलास। तो आप भी बना दीजिए परिवार के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से बना लीजिए। यहाँ पे 1 लीटर दूध डाल दिया है, गर्म हो रहा है जब तक हम बादाम का छिलका छुड़ा लेंगे। ये ठंडा हो गया और देखिए कितनी आसानी से छूट जाता है। देखिए पूरा छिलका एकदम टुकड़ा नहीं होता, एक ही भाग में छिलका निकल जाता है और आसानी से, बहुत ही आसानी से छिलका छूट जाता है। तो ये हम आपको बताने वाले थे कि बादाम को रात में भिगोने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए, 2 मिनट उबाल दीजिए और निकाल दीजिए। और ये रहा आपका सारा छिलका, छिलके हमने तैयार कर दिया बादाम का। और छिलका देखिए एकदम टूटा नहीं है, बिल्कुल एकदम अखा अखा छिलका निकला है। तब तक दूध भी गर्म हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूध हम 2 करछुल दूध हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जब तक इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा दूध को, ये भी गर्म हो गया तो गैस कम कर दिए हैं। और देखिए हम ले लिए छिला हुआ बादाम, आलमोंड बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, और साथ में डाल देंगे काजू। जितना हमने बादाम लिया है उतना हमने काजू लिया है, और उसका आधा काजू के आधा हमने लिया पिस्ता। ये तीनों चीज़ के हम अच्छे से पीसेंगे और अब इसको हम डाल देंगे, दूध जो ठंडा होने के लिए रख दिया था ना वो हम दूध इसमें हम डाल देंगे सारे। अब चाहो तो इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं पीसने के लिए, लेकिन दूध हम रखे थे तो उसी से हम पीस लेंगे। तो चलिए भले देखिए, ये काजू बादाम पिस्ता तो पिसा के रेडी हो गया है और दूध भी सूख गया है, पूरा गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, कस्टर्ड पाउडर डाल के गाढ़ा करते हैं दूध को, अरारोट डाल के, कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। हम पूरा पूरा 100% हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे पीसा हुआ काजू बादाम पिस्ता ऐड कर दिया है और साथ में हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए हम 1 लीटर दूध में 4 चम्मच ही चीनी डाला है। तो परफेक्ट मीठा था, लेकिन आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हम लोग कम मीठा खाते हैं। और डाल देते हैं, देखिए सब्जा फूला हुआ, देखिए एकदम सारे फूल गया और पानी भी सोख लेता है अपने अंदर। जितना भी पानी डालोगे ना सब्जी में, सब पानी अपने अंदर सोख लेता है और ये जेली जेली टाइप का होता है। तो थोड़ा अच्छे से मिला दीजिए, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। और मैं तो बोलती हूँ कि गर्मी में रोज़ पीना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए, हेल्थ है तो सब चीज़ है ना फ्रेंड्स। देखिए तो हो गया बनके तैयार। और इसे हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम पेपर ढक देंगे अच्छे से और इसको फ्रिज में रख देंगे, 3-4 घंटे हम रख देंगे, ठंडा ठंडा पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 4-5 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसको सर्व करेंगे। और कितना बनाने में आसान है और कितना टेस्टी है आपने देखा ना फ्रेंड्स। तो चलिए, चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी रेसिपी बनाऊं तो सबसे पहले आपके फ़ोन में घंटी बजे और आपको पता चले कविता रना रेसिपी क्या बनाई है। तो बहुत ही हेल्दी है, तो लीजिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा थोड़ा हम पका हुआ आम और पिस्ता और बादाम से हम सर्व किया है और पूरा हेल्दी तैयार किया है फ्रेंड्स। तो बताइए कैसा लगा और ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के।